आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कन्नौज जिला अस्पताल में कड़ाके की ठंड में मरीजों को कंबल न मिलने की खबर दिखाए जाने के बाद जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शक्ति बसु ने हरकत में आते हुए बुधवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी वार्ड समेत कई वार्डों का निरीक्षण किया और सभी संबंधित चिकित्सा स्टाफ को अस्पताल में किसी भी मरीज को असुविधा न होने देने के निर्देश दिए। कहा कि सर्दी से बचाव के लिए मरीजों के लिए अस्पताल में पर्याप्त कंबल की व्यवस्था है, लेकिन यदि लापरवाही बढ़ती गई तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें मरीजों द्वारा शिकायत मिली कि मामूली बात पर भी मरीजों को अन्य अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है, जिस पर उन्होंने चिकित्सकों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मरीजों का गहनता के साथ उपचार किया जाए, आवश्यकता होने पर उन्हें रेफर किया जाए, अन्यथा की स्थिति में उनका पूर्ण रूप से सुचारू उपचार जिला अस्पताल में ही किया जाए। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। किस तरह का निरीक्षण किया आपने? ये रूटीन निरीक्षण था और जो सामान्य तरह हॉस्पिटल की जो रख रखाव और इसके लिए मेंटेनेंस के लिए की जाते हैं और एक जनरल लोगों से फीडबैक लेने के लिए तो रूटीन था। उसमें कई चीज़ें हमको थोड़ी अस्त व्यस्त मिली जिसके बारे में उनको सुधारने के लिए उनको ताकीद किया गया और साफ़ सफाई को लेकर के भी हमने निर्देश जारी किए हैं और कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को उनके दायित्वों को बताने के लिए थोड़ा सा एक निरीक्षण किया गया, जनरल निरीक्षण। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है इमरजेंसी का जिसमें अर्जन लोग मरीज को लेके आए थे तो वहाँ पे कम्बल उड़ाना चाहिए, वो जैकेट मरीज ओढ़े हुए लेटा है, क्या है पूरा मामला? ये मेरे को अभी पता चला है और मैंने उसके तत्काल ही जाके उनसे ये पता किया है, तो ये अभी इसका पूरा ब्यौरा अभी नहीं आया है कि ये कहाँ का कब का वाक्या है, परंतु मैंने उनसे ये स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि प्रत्येक मरीज को चाहे वो इमरजेंसी रूम में आए या वार्ड में आए उसको तत्काल जो है कंबल, चादर ये सारी सुविधा मिलनी चाहिए। सफाई को लेकर भी कुछ? हाँ, सफाई, साफ सफाई में थोड़ी कमियां थी जिसके बारे में हमने उनको निर्देशित किया है। अभी नया एजेंसी के साथ दोबारा से नया वो हुआ है, अनुबंध हुआ है, उनको भी मैंने साफ सफाई के बारे में बताया जो नए तरीके से और अच्छे से करने हैं। सर ये कुछ वीडियो कहते हैं डॉक्टर मरीज रिफ़र हो रहा है यहाँ से, रिफ़र करने वाला नहीं है तब भी रिफ़र किया जाता है, उस पर क्या होगा? नहीं, रेफ़र करने वाला नहीं, हमने जब इसका संज्ञान लिया तो उसमें रेफ़र करने वाले डॉक्टर साहब पहले के थे और जो चेंज ओवर ड्यूटी में थे उनको ये संज्ञान में नहीं था और उनके पास रेफरल कार्ड था, परंतु मैंने ये कहा है कि अगर वार्ड में पेशेंट है, आया है, वार्ड से पेशेंट रेफर हो रहा है तो सारे तंत्र को इसके बारे में मालूम होना चाहिए, फिर चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे वहाँ पे वार्ड बॉय हो। किसी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? इनको स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, इनसे स्पष्टीकरण मांगी जा रही है। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे तेजस 24 न्यूज़।